हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह ये देखिए, बस कंपनी के काम से कहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली चेन्नई जाना है, अर्जेंटली जाना पड़ रहा है अभी। चलो निकलते हैं, दिखाते हैं आपको चेन्नई का। दोस्तों ये निकल गए हैं हम चेन्नई चेन्नई के लिए। अभी दिल्ली एयरपोर्ट में जाना है और फिर उसके बाद वहाँ से सीधे चेन्नई के लिए बाई एयर निकलेंगे। तो अभी हम रुद्रपुर से रवाना हो चुके हैं, ड्राइवर साहब चला रहे हैं हौले हौले अपनी गाड़ी को। बोल भी ले सर, बोल भी ले। मैंने कहा कैसा लग रहा है आपको ये पराठा खाते हुए? बहुत मजा आ गया भाई, मजा आया। मसाला पापड़ इसमें है, बहुत सारा मिर्च का चार, चटनी। अभी किया है ब्रेकफास्ट। ये है हम गजरोला। देखो दोस्तों, दूल्हे राजा भी उतर चुके हैं जा रहे हैं, खाना पीना खा के फिर निकलेंगे आज। ये देखो दूल्हे राजा, ये हमने नीरज भाई। नीरज भाई कब तक पहुंचेंगे भाई? अब वहाँ दूसरे देश कब पहुंचेंगे हम? तो दोस्तों दूसरे देश जा रहे हैं हम, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट जा रहे हैं, तमिलनाडु में चेन्नई सिटी के अंदर। चलो फिर मिलते हैं आपको एयरपोर्ट में अभी। हैं थोड़ा ज़रा सेक्सी वाला हॉर्न मारेंगे क्योंकि आ नहीं रही है सवारी। बुलाओ ज़रा, कॉल करके बोलो, चलो बोलो पहुँचना भी, ज़बरदस्त हॉर्न। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं मोगा से, ब्रेकफास्ट कर लिया है सबने और आगे के लिए रवाना हो चुकी है बस। अब बस यहाँ से 2-3 घंटे में दिल्ली एयरपोर्ट अगर पहुँच चुके हैं हम गणगंगा पे। गणगंगा का पुल है ये, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारा है। देखिए गणगंगा का, वहाँ पे नाव से सवारियाँ भी करते हैं लोग। अगर गंगा के इस पार आना हो, उस पार जाना हो, थोड़ा घूमना हो, तो यहाँ पे नाव की सुविधा, बोट की सुविधा भी है इधर। ये है अपना गढ़गंगा। गढ़गंगा से आगे फिर अब निकलेंगे हम सीधे, शायद दिल्ली में ही रुकेंगे। रुकना तो सीधे दिल्ली पे ही है। और ये रहा अपना गढ़गंगा का घंटाघर। और ये कर दिया हमने गाज़ियाबाद पार करके, दिल्ली में इंटर कर चुके हैं। और ड्राइवर साहब भी अब स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि लेट हमें काफ़ी हो गया है, शायद भागते भागते चेक इन करना पड़ेगा। और ये रहा अपना दिल्ली का पहाड़ कूड़े का ढेर बोलते हैं, पूरी दिल्ली का कूड़ा यहीं इकट्ठा होता है। और यहाँ पे इतने कौवे घूमते हैं, पता लग जाएगा आपको एक स्मेल से। एक तो गाजीपुर मंडी प्लेस है, कर लिया हमने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बट हम जाएंगे डोमेस्टिक वाले में, T2 में, टर्मिनल 2 में। चलो करते हैं, लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, चेक इन करते हैं फटाफट और आपको मिलते हैं आगे। चल चुके हैं, चेक इन कर लिया है हमने दोनों भाई। बहुत बड़ी टीम है वैसे, आ रही हम है तो अपने आप में ही बड़ी टीम है। और हम तो सालों साल रहे हुए हैं चेन्नई में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलो दिखाते हैं, करवाते हैं हवा होगी सैर। एक हमारा लास्ट में है बट स्टार्टिंग से लगा है फ्लाइट का सर, तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लिए रवाना हो रहे हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे एरोप्लेन खड़े हो रखे हैं। कुछ स्पाइसजेट के हैं, कुछ इंडिगो के हैं, एयर इंडिया का भी है। और अब हम निकल गए हैं अपने रनवे की तरफ। काफ़ी दूर रहता है रनवे, लगभग दो एक दो किलोमीटर। और ये है हमारा इंडिगो का अंदर का नज़ारा। सब पैसेंजर बैठ रखे हैं और जो अपने अटेंडी होते हैं, मतलब एयर हॉस्टेस होती है, वो बता रही है कि सीट बेल्ट फासन कर ली। अपने रनवे में आ गए हैं। अब फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी होगी। आप स्पीड से पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड है प्लेन का। और ये अपना टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो गया है प्लेन और टेक ऑफ कर दिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा, हल्के हल्के से पूरा आपको व्यू दिखाएंगे ऊपर से। ये देखिए पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, ऐसे कुछ मछली की तरह दिखते हैं पूरे जहाज़ ऊपर से। कितना खूबसूरत नज़ारा है दिल्ली का, है ना। तो अभी हमने टेक ऑफ कर लिया है और साढ़े आठ बजे के लगभग हम चेन्नई में लैंड करेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे होटल को। और फिर आगे का दिखाते हैं आपको, बने रहिए वीडियो के साथ। ये अपना सनसेट हो रहा है, सीधे आसमान से दिखाया जा रहा है आपको सनसेट। थोड़ा सा दिख रहा है, ये नहीं, सनसेट हो रहा है बिल्कुल। और नीचे अपना दिल्ली, दोस्तों अब बारी आ गई है कुछ खाने की। और ये मेरा टिकट है, इसमें जैसे आपको दिख रहा है ये सर्विस CMPL कुछ लिखा हुआ है, तो हमारे लिए फ्री सर्विस रहती है। और एयर हॉस्टेज अपने को सर्व कर रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये लिया मैंने एक नूडल्स और दूसरा ब्रेवेज में कोका कोला। चलो खाते हैं, आनंद लेते हैं आसमान के ऊपर, लगभग 2500-3000 फीट ऊपर धरती से, और टेस्ट करते हैं कोका कोला के साथ। और इसका प्राइस देखिए आप, 300 नूडल्स का प्राइस है और 100 रुपीज़ अपना कोका कोला का। दोस्तों तो निकल चुके हैं दिल्ली, आइए एयरपोर्ट से अपना चेन्नई मास के लिए। कभी वाइब्रेशन कर रहा है, इंडिगो की फ्लाइट है और लगभग 8:30 तक लैंड कर, साढ़े आठ बजे तक चेन्नई पहुंच जाएंगे, 9 बजे तक होटल में। चलो दिखाते हैं आपको इससे आगे की जगह। अब हम चेन्नई में लैंड करने वाले हैं और आसमान से रात का नज़ारा देखिए चेन्नई का, कितना खूबसूरत नज़ारा है चेन्नई का, मस्त लग रहा है। और अब हम लैंड करने को रेडी हो चुके हैं, थोड़ी देर में लैंडिंग हो जाएगी। बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन करेगा पहले जहाज़, और फिर थोड़ा आगे जाके 1-2 किलोमीटर आगे जाके फिर हल्का हो जाएगा, कि बहुत ही स्पीड में रहता है तो इसलिए वाइब्रेशन उतनी ऊंचाई से नीचे आने में थोड़ा ज़रा जर्क तो लगता ही है। और ये हमने लैंडिंग कर ली है और सक्सेसफुल लैंडिंग हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं कामराज एयरपोर्ट चेन्नई। और यहाँ से अब आगे बाहर निकलेंगे, एग्जिट होके फिर आगे निकल के होटल के लिए रवाना होंगे यहाँ से। ये पहुंच चुके हैं तमिलनाडु में। प्लेन के टर्बाइन हैं, दोनों साइड टर्बाइन होते हैं जो कि थ्रस्ट क्रिएट करते हैं और फिर जाके जहाज आगे को उड़ता है। कौन से भगवान बोलते हैं,
नटराजन, नटराजन भगवान जी हुए ये तमिलनाडु के। और अभी चल दिए हैं कामराज एयरपोर्ट से, निकल गए भाई कामराज। कौन सी बेल्ट में आएगा? बेल्ट में नहीं बताई इसने, क्या करना वो तो ना थी बेल्ट नहीं बताई इन्होंने। नटराज भगवान के तो कर लूँगा, इनके नटराज मतलब यार ही फोटो खींच ले। और अभी अब चेकआउट करेंगे, सीधे बस में निकलेंगे और सीधे मिलेंगे आपको हयात होटल। हयात है यहाँ से 6 किलोमीटर है। छः कितना किलोमीटर है यहाँ से? 6-7। भाई मिल गया हमें अलवर से, ये भी आया है यहाँ। हेलो तो कर ले यार भाई। ये देखिए कलाकारी, कलाकारी तो भयंकर है यार। आएंगे बैग इस बेल्ट में, यहाँ पे आएंगे अपने बैग। सब लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं, सब लोग अपना बैग यहाँ से कलेक्ट करते हैं। चलो दिखाते हैं अभी आपको। नटराज स्वामी दोस्तों, ये देखो पहुंच गए हम। और ये बेल्ट है, इन बेल्टों में निकलेगा जो भी बैग होगा सबका, और यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे अपना लोग। एयरपोर्ट की चमक, ये है अपना कामराज एयरपोर्ट डोमेस्टिक वाला चेन्नई का। एक्चुअली जो अपनी कंपनी वाले हैं वो एक नंबर बेल्ट में है उनका सामान, तब तक थोड़ा मैंने कहा एक राउंड मार के आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है, खाली बैगेज कंधे में लटका के झोला लेके आ गया। दोस्तों सब लोगों ने अपने अपने बैग ले लिए हैं। एक बैग एक्चुअली दिल्ली में ही छूट गया है किसी का, क्योंकि उन्होंने पावर बैंक रखा था। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी पावर बैंक अपने बड़े वाले बैग में न रखे जो कि नीचे जाता है लगेज में। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है और एंड करना पड़ेगा। खाली 20-25 मिनट का बन जाएगा, कोई देखेगा भी नहीं, फिर बोरिंग सा लगता है। तो 10-12 मिनट का काफ़ी बड़ा लंबा ब्लॉग हो गया। और यहाँ से निकलेंगे हम होटल, और होटल से फिर एक नया पार्ट बनाएंगे, पार्ट वन और पार्ट टू में दूसरा वाला। चलो सब लोग अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय।